में बांटी गई, अब और न बांट सकोगी। जिस मोह को छलने किया है ये प्रेम न काट सकोगे। नारी शोषण की गाथा अब ना दोहराई जाएगी। अंधियारे को चीर कर नई सुबह फिर आएगी। इस रोशनी के यज्ञ से हर एक दीप जला। एक बार शिव को आ जाने दे, सब मिलकर समझाएंगे उसे। पर वो कब आने वाले हैं? अरे आज आ जाएगा, रात तक कभी भी। पवन बता रहा था। हाँ जी मास्टर साहब, आप लोगों को हमारी बिटिया कैसी लगी? किशन जी, लड़की के बारे में तो हम पहले से ही जानते थे, उनके लिए ये सब फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है। अब सम्राट और कल की बिटिया ही बताएंगे। ये तो आप सही कहे हैं, कल ही आई है हमारी बिटिया। अब इसकी पढ़ाई पूरी हो गई है, और आज आप लोगों का फोन आ गया। सब भगवान की मर्जी है। अब जो भी होता है ठीक होता है। लोगों को कुछ बात करनी है हमारी बिटिया से तो कर लीजिए। अरे हम लोगों को तो लड़की पहले से ही पसंद थी। वो तो सम्राट ने नहीं देखा था तो सोचे उसको दिखा दे। अब केंद्र सरकार का नौकरी है, बिजी बहुत रहता है, बड़ा अफसर है। एक साल बाद अभी घर आया है। बताओ बेटा कैसी लगी लड़की? अब जब आप लोगों ने सब तय कर ही लिया है तो मेरा बीच में बोलना ठीक नहीं लगता। चाहो तो बात कर लो तुम लोग। क्यों बेटी, ठीक है ना? जाओ जाओ बात करो। अरे नहीं नहीं मुझे कोई बात नहीं करनी, अगर आपको कुछ पूछना है तो। मुझे बात करनी है आपसे। ओके, नो प्रॉब्लम।
यू मीन तुम जॉब करना चाहती हो फिर ये शादी आदि की? एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि आप लोग शादी के लिए इतनी जल्दी में। तो आपको पता नहीं था, पहले बता देना चाहिए था ये बात। नहीं, टाइम बर्बाद नहीं होता। एक नई सुबह। आपको शायद पता होगा मैंने अपनी पढ़ाई बहुत मेहनत से पूरी की है। Yeah, I know that. हम लोग बहुत ज्यादा अमीर नहीं हैं और घर की बड़ी बेटी होने के कारण मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। मेरे माँ बाप ने मेरी पढ़ाई पूरी कराने के लिए अपनी जमीन तक बेच दी है और अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं जॉब करूं और घर के हालात सुधारूं। जॉब? यू मीन तुम जॉब करना चाहती हो? फिर ये शादी आदि क्यों? एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि आप लोग शादी के लिए इतनी जल्दी में। जब आपको पता नहीं था पहले बता देना चाहिए था ये बात। नहीं, टाइम बर्बाद नहीं होता। एक बात मैं आपको साफ साफ बता दूं, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। मैं भी एक ऑफिसर हूं, मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए जो मेरे घर को संभाले। मेरी बीवी जॉब क्यों करेगी, उसे नौकरी करने की क्या जरूरत है? पर मुझे जरूरत है, मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। मुझे अपने छोटे भाई को आगे पढ़ाना है और ये सब बातें मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रही हूँ ताकि बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो। मुझे भी कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए। किशन जी, दोनों एक दूसरे को समझ लेंगे तो अच्छा है, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा हमारे बीच। बिल्कुल सही कहा मास्टर जी। आजकल लड़का लड़की ही तय करते हैं कि वो चाहते क्या है। हमारा बेटा तो लाखों में एक है, फालतू किसी से बात भी नहीं करता, बस अपने काम से काम। जी वो तो देखने से ही लगता है। ये तो हमारी अच्छी किस्मत है कि आप जैसे लोग हमारी बिटिया का हाथ मांगने के लिए आए हैं। वैसे हमारी बिटिया का भी मन बहुत साफ है, जो भी बोलना चाहती है सामने बोल देती है। भाई इसीलिए तो वो हमारी पसंद है। शादी का डेट क्या तय किए हैं? जी वो तो आप ही तय करेंगे। शादी जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। अगले महीने अच्छा मुहूर्त है, पंडित जी बता रहे थे। तब तो सम्राट को भी छुट्टी मिल जाएगी, बता रहा था। इतना जल्दी तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। बिटिया की शादी है तो तैयारी करने में तो थोड़ा बहुत टाइम लगेगा ना। अरे आपको क्या तैयारी करनी है? सम्राट छोटा मोटा अफसर थोड़ी है, सब इंतजाम हो जाएगा। और शादी तो हम लोग शहर से ही करेंगे। सम्राट की शादी में जो लोग आएंगे वो इस गांव में कैसे बुलाएंगे? सही बात है, आजकल की शादी तो इवेंट मैनेजमेंट वाले सारा काम कर देते हैं शहरों में, हमें कुछ करना ही नहीं पड़ता। जी कुछ तो करना ही पड़ेगा ना हमको, अब ऐसे कैसे? कुछ नहीं करना है आपको। सम्राट ने साफ साफ कह दिया है उसको लड़की के घर से एक पैसा भी नहीं चाहिए।
सारा खर्चा वो खुद कर देगा। देखिए विचार तो बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा बहुत तो हमको कुछ करना ही पड़ेगा ना, और फिर एक ही तो बिटिया है हमारी। ठीक है, आप लोगों को जो करना है वो कर दो, लेकिन शादी अगले महीने ही करते हैं। आजकल तो मोबाइल का जमाना है, किसी को कार्ड देने की झंझट ही नहीं है, सारी तैयारियां फटाफट हो जाती है। अब जैसे आपकी मर्जी, लेकिन एक बार घर में विचार विमर्श कर लेते तो अच्छा होता। किशन जी, विचार विमर्श अंदर चल रहा है, अब उनके सामने हमारा कुछ नहीं चलने वाला। It's really nonsense, totally waste of time. मैं ये शादी तुम्हारी शर्तों पे नहीं कर सकता। तो माफ कीजिएगा, मुझे भी आपकी शर्तें मंजूर नहीं है। तो पहले बताना था ना, फालतू में ये टाइम पास नहीं होता। और वैसे भी मुझे इस गांव में शादी करने की नहीं पड़ी है, वो तो मैंने मम्मी पापा के कहने पर हाँ कर दी थी, क्योंकि उन्हें गाँव की लड़की चाहिए थी जो उनका ख्याल रख सके, हमारे घर का ख्याल रख सके। पर तुम्हें तो अपने घर की पड़ी है, अपने जॉब की पड़ी है, तो इसमें गलत क्या है? मेरे माँ बाप ने मेरी पढ़ाई पूरी कराने के लिए क्या क्या दुख नहीं झेले, और आज जब मैं हालात सुधार सकती हूँ तो गलत क्या है इसमें? कुछ गलत नहीं है, गलती तो हमने की है यहाँ आकर। Such a disgusting. I hate this kind of society. Oh, hello, mister. Mind your language, okay? अगर मैं कुछ जवाब नहीं दे रही हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप कुछ भी कहते चले जाएं। And what you have said, you hate this kind of society. But I love this kind of society. हमारे देश का दिल गांव में बसता है। हम गरीब जरूर हैं, पर आप लोगों से ज्यादा खुश हैं। तो रहो खुश अपनी इस दुनिया में। मैं शादी नहीं कर सकता। थैंक यू सो मच, मुझे भी आपसे शादी नहीं करनी। और आपको क्या लगता है, आप हमारे घर पे हैं इसलिए इतनी इज्जत कर रहे हो, वरना इतना कहने के बाद आप यहाँ नजर नहीं आते। मैं वैसे भी एक मिनट यहाँ ना रुकूं। किशन जी, जब मियाँ बीबी राजी तो क्या माँ काजी। पापा चलिए यहाँ से, मुझे एक मिनट भी यहाँ नहीं रुकना है। बेटा क्या बात हो गई, हमसे कोई गलती हो गई? नहीं नहीं, गलती तो हमसे हुई जो हम यहाँ आ गए। एक बात हम आपको बता देते हैं, हम आपकी लड़की से उसकी शर्तों पे शादी नहीं कर सकते। जब यही सब करना था तो आपने बुलाया क्यों? बेटा हम कहां बुलाए, वो तो मास्टर जी ने फोन किया और हम। बेटा बात क्या है, है? कुछ तो बोलो। बात क्या करना है, जिससे बात करनी थी उससे बात कर लिया हमने। चलिए मम्मी पापा। चलो जी, मास्टर जी। अच्छा होता कि तुमको पढ़ाते ही नहीं। कैसी बात कर रही हो माँ, जमाना बदल गया है, सरकार हर तरफ घूम घूम के संदेश दे रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अभी तक भी समझ नहीं आया तुमको? बात है
तेरा इश्क़